सो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हम लोग धनौल्टी में थे। धनौल्टी के बाद हम मसूरी के लिए निकल गए थे और हम लोग लगभग शाम के 6 बजे के आसपास मसूरी पहुंच चुके थे। तो ये देखिए, हमने रूम में भी एंट्री कर ली थी और ये देखिए रूम से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मसूरी में हैं और ये 2 रूम थे जो कि अटैच्ड रूम थे और काफ़ी अच्छे रूम से कम्फर्टेबल भी थे बहुत। तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, फिर थोड़ा बहुत नहाएंगे धोएंगे, फिर रेडी होके शाम को हम लोग निकलेंगे मॉल रोड के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं और हम नहा धो के रेडी भी हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं मॉल रोड और रूम अभी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आए हैं थोड़ी देर पहले और काफ़ी अच्छी जगह है। और रूम से आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कि जस्ट पास में स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। रूम का जो व्यू है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था और अभी मॉल रोड के लिए निकलेंगे और कल से मसूरी का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ मॉल रोड ही घूम पाएंगे क्योंकि शाम को 6 बजे के आसपास हम मसूरी पहुंचे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं मॉल रोड देखने के लिए। होटल से मॉल रोड थोड़ा सा दूरी पे था लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम लोग निकल गए थे और घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि कब मॉल रोड भी आ गई। तो साथ ही साथ मैं आसपास के नज़ारे भी कैप्चर करी थी, आपको लाइटिंग दिखाने की कोशिश करी थी। पूरा शहर ऊँचाई पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड। देखिए यहाँ पे राजस्थान हैंडलूम भी है तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। मसूरी में भी राजस्थान मिल गया मुझे। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मसूरी में, चाहे देहरादून में, चाहे हम धनौल्टी गए, कहीं पर भी हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतना क्राउड था ना, ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरी दुनिया को घूमने के लिए मसूरी ही मिला हो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पर। और मॉल रोड घूमने के बाद हम डिनर के लिए रुक गए थे और हम लोगों ने डोसा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी खाने का हमारा किसी का भी मन नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो गए हैं। ये देखिए आज का मेरा लुक हो रहा था किस तरीके से रेडी हुआ है। हमने वाइट पहना है आज, हेयर किया है और अभी हम लोग घूमने के लिए निकलने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो लेने के लिए ऊपर आ गए थे रूम से बाहर, मैंने कहा अच्छी लोकेशन में चलते, तो हम रूफ टॉप पर आ गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, निकलते हैं अब क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया है। आफ्टर डेट हम लोग घूमने के लिए निकले। तो बस यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट में था आलू का पराठा, पास्ता, दही, ब्रेड, जैम, ये सब चीज़ें थी, चाय भी थी। 5-7 है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी गार्डन। आप लोग भी देखिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है मसूरी का कंपनी गार्डन और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। हालांकि फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो और फोटोज़ के चक्कर में ना फिर हम वो फील नहीं ले पाते हैं, घूमने आते हैं और फील नहीं ले पाते हैं, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ली। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं कंपनी गार्डन में और मेरी हालत हो गई ख़राब क्योंकि शूज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं रह पा रही हूँ, तो मुझसे प्रॉपर चला भी नहीं जा रहा है। बट फिर भी आपको लोकेशन दिखाती हूँ, काफ़ी खूबसूरत गार्डन बना हुआ है ये, बहुत ही सुंदर। और अगर वेदर अच्छा होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है अभी भी। आई एम सॉरी।
तो यहाँ पे कंपनी गार्डन में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के करने के लिए, गेम्स थे, झूले थे, बुल राइडिंग वाला, ये जो अथक कर रहा है अभी बुल राइड भी आप कर सकते हैं वहाँ जाके, तो अथक को काफ़ी मज़ा आता है बुल राइड करने में, तो अथक यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे जीजा जी टिकट लेने के लिए जा रहे थे, बच्चों को कोलंबस झूले में ना झूलना था तो जीजा जी टिकट्स ले रहे थे। और जब भी मैं ये कोलंबस देखती हूँ ना, मुझे सर की बहुत याद आती है, वो इसे वास्को डी गामा बोलते थे, तो सर की हमेशा याद आती है। जब भी हम मेले वगैरह में जाते थे किसी ट्रेड फेयर वगैरह में, तो वो हमेशा बोलते थे वास्को डी गामा में झूलोगी क्या, तो मुझे जब भी ये झूला देखती हूँ ना, मैं सर को बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना कोलंबस राइड। और कंपनी गार्डन के बाद हम लोग पहुँच गए थे बुद्धा टेंपल, ये मसूरी का बुद्धा टेंपल है, अभी नीचे जाके है ये टेंपल, और ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी, मंदिर खूबसूरत था, छोटा सा ही मंदिर था, टेम्पल छोटा सा था, बट यहाँ से जो व्यू आ रहा था ना वो बहुत सुंदर था, व्यू पॉइंट बहुत सुंदर था यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं बुद्धा टेम्पल, और इस मंदिर में ना अंदर जाके वीडियो कैप्चर करना मना था, फोटोज़ और वीडियोस लेना, तो हमने बाहर का जो भी व्यू था ना वो सारा कैप्चर कर लिया था, थोड़ी बहुत रील्स वगैरह भी यहाँ पे बना ली थी। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि टाइम टाइम पे मैं रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ इंस्टाग्राम में भी, तो आप लोग मुझसे वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और बाद में हम लोग उसके बाद पहुंच गए थे कैंपटी फॉल, तो कैंपटी फॉल तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं या आप फायर स्टेयर्स भी जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों के थ्रू जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी, बच्चों के साथ रिस्की हो जाता, तो हम लोगों ने कहा कि रोपवे से ही जाएंगे और बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे रोपवे में, तो हम लोगों ने रोपवे से हम लोग नीचे तक गए थे। कैंपटी फॉल जाने के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, तो ये रोपवे के टिकट्स ले चुके थे जीजा जी, और अब हम लोग वेट कर रहे थे रोपवे के आने का। और जैसे नीचे गए कैंपटी फॉल तक, वैसे ही वहाँ पे बहुत भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई, और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना कैंपटी फॉल में, यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, आप कैंपटी फॉल में जाके मतलब स्विमिंग वगैरह का भी है, वहाँ पे पूल टाइप का है वो भी इंजॉय कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बोटिंग वगैरह की सारी, लेकिन सारा कुछ बंद हो गया क्योंकि हैवी रेन स्टार्ट हो गई थी, हम लोग बस पहुँचे ही थे, हम लोग वीडियो वगैरह ले रहे थे, इतने में ही मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं ना वो स्टार्ट हो गई थी, और पानी का जो फ्लो था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये देखिए आप, यहाँ पर जो क्लीन पानी था वो ऐसे मिट्टी का सा पानी आने लगा, और फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो
बस वो एक्टिविटीज़ को वहीं पे उन लोगों ने क्लोज कर दिया था बारिश की वजह से। टच वुड ये था कि रोप वे को उन्होंने नहीं रोका, तो ईजीली हम लोग वापस ऊपर पहुँच गए। अदरवाइज ऊपर पहुँचने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, और जो दोनों साइड का बोथ साइड का हमने टिकट ले रखा था वो भी ख़राब हो जाता। फ्रेंड्स, कैंपिंग हॉल से आने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट पे। खाना वगैरह हमारा हो गया है, मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिए, बहुत थक गई हूँ एक्चुअली, और मौसम भी ऐसा है कि मोबाइल बाहर निकालने का मन भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने सोचा कि थोड़ी बारिश कम हो गई है तो मोबाइल को बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले लेते हैं। तो अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और फिर देखते हैं कौन से पॉइंट तक जाएंगे। कैंपिंग हॉल वाला तो सारा ही कैंसिल हो गया क्योंकि हैवी रेन हो रही थी, ड्यू टू हैवी रेन उसको बंद ही कर दिया था। कैंपिंग हॉल को रिस्की भी था बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी गाड़ी तक चलते हैं, फिर देखते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और फ्रेंड्स, फिर रास्ते में इतना लंबा जाम लगाना कि पूछो ही मत। तो हम लोग गाड़ी में ही कम से कम कैंपटी फॉल के बाद 4 से 5 घंटे तक हम जाम में ही फंसे रहे, तो हम किसी नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं गए थे फिर, क्योंकि 4-5 घंटे तो हमारे जाम में ही ख़राब हो गए थे। पर हाँ, ये है कि वहाँ पे तो आप गाड़ी में भी बैठे रहो तो खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लगता आपको। वहाँ पे ऐसा लगता है बस आप घूम ही रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है, बादल भी दिखाई दे रहे हैं आपको, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी भी है, ठंडी ठंडी हवा भी है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था वहाँ का। और उसके बाद बस नेक्स्ट डे हमें निकलना था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो शाम वाले टाइम हम मॉल रोड भी नहीं जा पाए थे फिर। तो गाड़ी से बैठे बैठे ही मैं नज़ारे हैं जो भी हैं वो कैप्चर कर रही थी, तो मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे थे कि बाद में जब घर जाएंगे तो दोबारा से मसूरी को इंजॉय करेंगे वीडियो के थ्रू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कल मैंने ब्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू किया नहीं क्योंकि हम 4 से 5 घंटे जाम में फंस गए थे, डेट्स वाई मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की। मैं बहुत थक गई थी और परेशान भी हो गई थी क्योंकि 5 घंटे जाम में फंसे रहना काफ़ी मतलब दुखदाई हो गया था मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ आए, बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद हम लोग यहाँ आए, हमने डिनर वगैरह किया और फिर मैं सो गई थी। अभी जस्ट उठ के नहाया और पैकिंग वगैरह की, थोड़ी बहुत जो सामान अनपैक हो रखा था वो रखा है, और हम निकलेंगे अभी देहरादून के लिए, और वहाँ से शाम को 5 बजे हमारी जो है बस है जयपुर के लिए। और मेरा मूड थोड़ा सा यूँ भी ख़राब हो रहा था कि कल बंदर आ गया होगा रूम में, कि विंडो जो है इसकी चिटकनी सही नहीं है, तो वो बंदर जो है वो मेरा मेकअप किट उठा के ले गया होगा पीछे से और उसने इस जगह पे फेंक दिया, तो उससे क्या मेरा सामान सारा नीचे चला गया, जो भी मेरी लिपस्टिक्स वगैरह थी, कुछ कुछ तो मैंने अपने हैंडबैग में रख रखी थी लेकिन कुछ क्या बहुत सारा सामान मेरा चला गया। इवन ये घड़ी भी चली गई थी, ये तो जीजा जी ने निकाल दी यहाँ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कि फ्रेंड्स, मेरा मेकअप किट है, इसको फाड़ भी दिया उसने, और इसमें मेरी सारी लिपस्टिक, काजल और सारी ब्रांडेड चीज़ें थी, जैसे कुछ मैं स्विस ब्यूटी की चीज़ें यूज़ करती हूँ, कुछ हुडा ब्यूटी की चीज़ें थी मेरी, तो सारा जो सामान है वो नीचे जा चुका है, और ये इसका ये हाल कर दिया मेकअप किट का उसने। बहुत सारे मेरे सीरम वगैरह भी थे इसमें, वो सब जा चुके हैं। चलो कोई ना, मेन जो चीज़ थी मेरी रिस्ट वॉच थी वो मिल गई मुझे, बाकी तो चलो जो भी है छोटा मोटा सामान था। और होटल से निकलने से पहले जीजा जी ने मेरा बहुत सारा सामान निकाल के भी दे दिया था, बहुत कुछ वापस भी निकाल के दे दिया था, जो कुछ नीचे गिर गया था वो बस गया, बाकी आ भी गया था। आप देख लीजिए बारिश वापस से आएगी, बादल आ रहे हैं, और ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू ले दे इधर दे। सो फ्रेंड्स, लास्ट डे ऑफ मसूरी, और बस हम थोड़ा सा ऊपर व्यू देखने आ गए थे, मौसम अच्छा है तो हम लोग वो देखने आ गए थे, और बस थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट लगने वाला है वो करके और हम लोग निकलेंगे। आ जाए तक ऊपर साइड चलते हैं। जा सो फ्रेंड्स, अब निकलने का टाइम हो चुका है, तो बस नाश्ता वगैरह करेंगे और निकलेंगे देहरादून के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।